नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। वन माफिया काफी सक्रिय है, उनके हौसले काफी बुलंद हैं। लगातार जहां वनों की अवैध कटाई करते हैं, अवैध शिकार करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अवैध उत्खनन भी जोरों पर है। बीती रात एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर वन माफियाओं के द्वारा वन विभाग के उड़न दस्ते के सामने देसी बम से हमला कर दिया। तेज आग निकली, काफी दूर तक छर्रे नजर आए। वन माफिया अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। लगातार इस क्षेत्र में उनकी तलाश की जा रही है। संपूर्ण जो मामला है, नौरादेही अभ्यारण्य के सिंहपुर रेंज का है, जहां पर वन माफिया काफ़ी सक्रिय है और इसी के चलते इनके द्वारा काफ़ी दहशत फैलाई गई। वन अमले के ऊपर देसी बम से हमला किया गया, पूरा एरिया दहल गया, चिंगारियां निकली। बताया जाता है कि ग्राम कठोतिया थाना देवरी के अंतर्गत ये घटना घटी है, जहाँ पर नौरादेही अभ्यारण्य का जो दल है, उड़न दस्ता दल है, वह लगातार चेकिंग कर रहा था। इसी दौरान ये घटना घटित की गई है। काफ़ी बड़ी घटना है, ऐसे में अधिकारियों के द्वारा कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। घटना के संबंध में भागीरथ पटेल, जो कि बीट गार्ड हैं, जिनके सामने ये घटना घटित हुई है, उनसे जान लेते हैं किस तरह से वन माफियाओं के द्वारा ये हमला किया गया। सामने आई है कि क्या घटना थी, मुझे बताएं। वो गश्ती के लिए हम लोग जा रहे थे, श्रीमान जी के निर्देशन था, तो हम लोग समूह स्टाफ सब लोग थे स्टाफ में, तो हम कठौतिया वाली जो सीमा है अपने वहाँ से घुसे अपने जंगल में, तो ऐसा बम फेंका बाहर गाड़ी के सामने टाइप पड़ा, और फिर उसके बाद एकदम से ब्लास्ट हुआ, हम लोग एकदम आँख बंद हो गए, धुआं धुआं हो गया। तो किसने फेंका, कुछ देखा आरोपियों? झाड़ियाँ थी उसकी लैंड आने की, तो उसमें और समझ में नहीं आया ऐसा। फिर आप लोग कैसे बच के निकले? हम लोग वहाँ खड़े हुए बहुत देर, 10-15 मिनट खड़े रहे, जब धुआं हुआ, वो धुआं और धूल शांत हुई, थोड़ा देखा इधर उधर कि ये क्या, हम पहले समझे कि टायर बस, पर देखा तो आगे वो खुशबू आ रही थी उसकी, बारूद थी। उसके निशान भी है क्या वहाँ? हाँ, गड्ढा टाइप का है। लगभग कितने बजे की घटना है ये? 10:30-11 रात। लगभग कितने लोग थे आप लोग? 6-7 लोग थे। सभी सुरक्षित हैं? सभी सुरक्षित। नौरादेही सिंहपुर रेंजर सौरभ जैन के द्वारा संपूर्ण मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करने की बात कही जा रही है। ऐसा सुनने में कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा बम फेंका गया गाड़ी पर, क्या मामला है? जब टीम हम लोगों को खबर मिली 10 बजे कि कोई अपराधी है जो जंगल या तो लकड़ी काटने वाले हैं, शिकार करने वाले हैं, तो मैंने अपनी टीम भेजी, और टीम जब सिंहपुर के कठौतिया गाँव से निकल रही थी, तो उस पर किसी ने बम फेंका, बम थोड़ा गाड़ी से आगे जाके फटा, बहुत तेज विस्फोट हुआ, आग का गोला निकला, गाड़ी के कांच बंद थे, पूरी गाड़ी वाइब्रेट हो गई, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन टीम पूरी सुरक्षित है, लेकिन हमला बहुत जोरदार। तो उसके इसमें अपन क्या कार्रवाई कर रहे हैं आगे? हम लोग पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और कोशिश करेंगे, अनुरोध करेंगे कि उनको गिरफ्तार किया जाए आरोपियों को। हम लोग अभी जो अपराधी हैं लकड़ी काटने वाले, इन शिकारियों के खिलाफ हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा है, और ये अपराधी जो है उसी से चुप्त होकर हम लोगों पर ये हमला कर रहे हैं। वन माफियाओं के हौसले काफ़ी बुलंद हैं, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं आम हो चली हैं। कभी गोली चल जाती है तो कभी बम फेंक जाते हैं। ऐसे में देखने लायक होगा वन माफियाओं के विरुद्ध कब तक कड़ी कार्रवाई होती है, ताकि दोबारा इस तरह की हिमाकत वह ना कर सके। नहीं तो लगातार वनों की अवैध कटाई होगी, अवैध उत्खनन होगा और जंगली जानवरों का शिकार। विभाग लगातार गश्त तो कर रहा है, लेकिन उस गश्त पर अब देसी बमों से हमला हो रहा है। संजय सरवरिया समाचार के लिए विशाल रजक की रिपोर्ट। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।